नमस्कार, मैं संजय शर्मा। इस चैनल में डाले गए वीडियो में आपका ज्ञान सारथी मृगवत्स लर्निंग में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रोग्रामिंग से साक्षात्कार की वीडियो श्रृंखला की पिछली कड़ी में आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रवाह संचित्र का निर्माण करना सीखा। कृत्रिम कोड प्रवाह संचित्र को बिना किसी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किए एक प्रोग्राम में परिवर्तित करने तथा प्रोग्रामिंग के मूल सिद्धांतों को समझने का एक सशक्त माध्यम है। इस वीडियो में आप कृत्रिम कोड से परिचित होंगे, कृत्रिम कोड के साथ प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों से परिचित होंगे, कृत्रिम कोड युक्त एक सहज प्रोग्राम का निर्माण करेंगे तथा कामना हिल रिजॉर्ट के वस्तुस्थिति अध्ययन अथवा केस स्टडी से परिचित होंगे। प्रवाह संचित्र के निर्माण तथा पुष्टि के उपरांत अगला चरण है प्रवाह संचित्र के प्रत्येक घटक को एक क्रियाशील प्रोग्राम में परिवर्तित करना। इससे पूर्व कि आप किसी प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम लिखना प्रारंभ करें, यह सर्वथा उचित होगा कि आप अपने प्रोग्राम में प्रयोग किए जाने वाले तर्कों तथा प्रवाह को भली भांति समझ लें ताकि आगे चलकर प्रोग्राम में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। एक प्रोग्राम सदा जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत का अनुसरण करता है। यह सदा स्मरण रखें कि प्रोग्रामिंग रूपी लाठी आपके ही हाथों में है। प्रोग्राम मूलतः उसी प्रकार व्यवहार करेगा जैसा कि आप इसे लिखेंगे। प्रोग्राम में आप जितने सशक्त तर्कों तथा निर्णयों का प्रयोग करेंगे, प्रोग्राम प्रयोग करने में उतना ही सुरक्षित होगा तथा अपना उद्देश्य सहज ही अर्जित करेगा। इससे पूर्व कि आप प्रोग्राम लिखना प्रारंभ करें, यह संस्तुतित किया जाता है कि आप इसमें प्रयोग किए जाने वाले तर्कों तथा निर्णयों का मूल्यांकन कर लें ताकि आपके लिए आगे चलकर किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। कृत्रिम कोड इस प्रकार की पद्धतियों में से एक है जो न केवल प्रवाह संचित्र को एक सुबोध प्रोग्राम में परिवर्तित करने में सहायता करती है अपितु यह प्रोग्राम में स्थापित उद्देश्यों का मूल्यांकन करने में भी सहायता करती है। कृत्रिम कोड एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप प्रोग्राम के प्रत्येक निर्देश को प्रोग्रामिंग की भाषा के स्थान पर साधारण वार्तालाप की भाषा में लिखते हैं। कृत्रिम कोड किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा पर निर्भर नहीं करता है। कृत्रिम कोड में लिखे प्रोग्राम का मूल्यांकन करने के बाद जब आप इसके उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं, तब आप इस प्रोग्राम को अपनी पसंद की किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में परिवर्तित कर सकते हैं। कृत्रिम कोड में प्रोग्राम को परिभाषित करने तथा इसकी जटिलता को समझने के लिए आप चाहें तो पत्र तथा लेखनी अथवा संगणक या कंप्यूटर के किसी एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए आप अपनी साधारण वार्तालाप की इच्छित भाषा, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा पर आधारित नहीं है एवं जिसे आप तथा आपके साथी भली भांति समझ सकते हैं, का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में विवरण स्वीकार करने के लिए आप मात्र विवरण स्वीकार का प्रयोग करेंगे। इसी भांति विवरण दर्शाने के लिए विवरण दर्शाएं तथा विवरण संचित करने के लिए विवरण संचित का प्रयोग करेंगे। आगामी वीडियो में हम कृत्रिम कोड का प्रयोग प्रोग्रामिंग के मूल सिद्धांतों को समझने के लिए करेंगे। ये सिद्धांत प्रोग्रामिंग भाषा जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक तथा पाइथन, स्क्रिप्टिंग भाषा जैसे जावास्क्रिप्ट, सीक्वल सर्वर, ओरेकल तथा MySQL में प्रयोग में लाए जाने वाली SQL भाषा अथवा विभिन्न संचालन प्रणाली या ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे DOS तथा लिनक्स में प्रयोग में लाए जाने वाली बैच या स्क्रिप्ट फाइल्स में समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। इन मूल सिद्धांतों को समझने के उपरांत हम इन्हें एक एक करके वास्तविक प्रोग्रामिंग भाषाओं में प्रयोग करना सीखेंगे तथा प्रत्येक भाषा के उच्चतर स्तर की ओर अग्रसर होंगे। प्रोग्रामिंग के सिद्धांतों को सुगम बनाने के लिए, फिर चाहे कृत्रिम कोड हो अथवा कोई प्रोग्रामिंग भाषा, आगामी वीडियो में मैं कुछ संसाधनों का प्रयोग करूंगा। इन संसाधनों में से एक, इस संसाधन को मैंने काल्पनिक स्मरण पट का नाम दिया है। काल्पनिक स्मरण पट संगणक या कंप्यूटर में उपलब्ध रैम अथवा मेमोरी के एक अंश का प्रतिनिधित्व करेगा। हम इसका प्रयोग यह समीक्षा करने के लिए करेंगे कि एक प्रोग्राम के प्रत्येक निर्देश को चलाने पर मेमोरी में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह दूसरा संसाधन है जिसे मैंने लेखन क्षेत्र का नाम दिया है। इस संसाधन का प्रयोग हम प्रोग्राम लिखने के लिए करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य संसाधनों के साथ हम लेखन क्षेत्र का प्रयोग प्रोग्राम में लिखे प्रत्येक निर्देश का मूल्यांकन करने के लिए भी करेंगे। अंततः मैं इस संसाधन का नामकरण काल्पनिक प्रदर्शन पट्ट के रूप में कर रहा हूं। हम काल्पनिक प्रदर्शन पट्ट का प्रयोग किसी भी प्रकार की आउटपुट, निर्देश अथवा आंकड़े प्रदर्शित करने के लिए करेंगे। स्मरण रहे कि काल्पनिक प्रदर्शन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाने वाला आंकड़ा मात्र सांकेतिक होगा तथा मात्र प्रोग्राम को समझाने के उद्देश्य से प्रयोग किया जाएगा। प्रोग्राम के आंकड़ों का वास्तविक प्रदर्शन प्रोग्रामिंग भाषा की परिस्थिति के समायोजन पर निर्भर करेगा।
आइए अब हम कृत्रिम कोट में एक लघु तथा सहज प्रोग्राम लिखें जो कि आउटपुट के रूप में एक संदेश प्रदर्शित करता है। तदुपरांत हम इस प्रोग्राम के प्रत्येक निर्देश का एक एक कर इन संसाधनों की सहायता से मूल्यांकन करेंगे। लेखन क्षेत्र में दर्शाए गए प्रोग्राम को लिखें। प्रथम प्रोग्राम, प्रोग्राम प्रारंभ, मेरी प्रोग्रामिंग का श्री गणेश दर्शाएं, प्रोग्राम अंत। इस प्रोग्राम में प्रथम इस प्रोग्राम का नाम है तथा प्रोग्राम शब्द प्रोग्राम के निर्माण का द्योतक है। सनद रहे कि अधिकांश प्रोग्रामिंग भाषाओं में प्रोग्राम का नाम मात्र एक ही शब्द में परिभाषित किया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रोग्राम का एक निश्चित प्रारंभ तथा अंत निर्धारित होता है। अतः एक प्रोग्राम का परिसीमन प्रोग्राम प्रारंभ तथा प्रोग्राम अंत निर्देशों के द्वारा किया जाता है। यदि आप प्रवाह संचित्र के घटकों का स्मरण करें तो इसके अवसान घटक प्रोग्राम प्रारंभ तथा प्रोग्राम अंत के रूप में परिभाषित होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रवाह संचित्र के अधिकांश घटक एक प्रोग्राम खंड के रूप में परिभाषित होते हैं जो कि हम अगले कुछ वीडियो में उत्तरोत्तर प्रकट करेंगे। सदा स्मरण रखें कि प्रत्येक प्रोग्राम खंड का एक प्रारंभ तथा अंत होता है तथा प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा में इसे दर्शाने का अपना अपना प्रचलन है। ध्यान दें कि प्रोग्राम के प्रत्येक पंक्ति में प्रगतिशील अंतराल का प्रयोग किया गया है। इसे अभिस्थापन या इंडेंटेशन कहते हैं। अभिस्थापन या इंडेंटेशन का प्रयोग प्रोग्राम की पठनीयता को उत्कृष्ट करने के लिए किया जाता है तथा प्रत्येक प्रोग्राम खंड के प्रारंभ तथा अंत को सुगमता से चिन्हित करने में सहायता करता है। यद्यपि एक प्रोग्राम में अभिस्थापन का प्रयोग अनिवार्य नहीं है तथापि इसे अनुशंसित कार्यप्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है जो कि आपके प्रोग्राम को दोषमुक्त करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। आइए अब हम अपने काल्पनिक स्मरण पट का आह्वान करें तथा अपने प्रोग्राम का मानसिक आकलन अथवा ड्राई रन करें। मानसिक आकलन अथवा ड्राई रन एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से हम एक प्रोग्राम का मूल्यांकन इसे संगणक पर चलाए बिना ही कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोग्राम चलाते हैं संगणक प्रोग्राम जो कि प्रोग्राम प्रारंभ तथा प्रोग्राम अंत निर्देशों के मध्य समाविष्ट है के लिए मेमोरी का एक खंड आरक्षित कर देता है। अब जैसे ही दर्शाएं निर्देश चलता है सर्वप्रथम यह आरक्षित मेमोरी खंड के किसी स्थान पर यह मेरी प्रोग्रामिंग का श्री गणेश सूत्र लिख देता है। तदुपरांत दर्शाएं निर्देश जो कि अपने आप में एक प्रोग्राम खंड है इस सूत्र को इनपुट के रूप में लेता है तथा प्रदर्शन पट पर प्रदर्शित करता है जैसा कि काल्पनिक प्रदर्शन पट पर दिखाया गया है। आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए जिस प्रक्रिया की आवश्यकता है वह संगणक प्रोसेस के रूप में करता है। जैसे ही दर्शाएं निर्देश समाप्त होता है यह मेमोरी खंड से विलुप्त हो जाता है। ध्यान दें कि सूत्र अभी भी मेमोरी खंड में उपस्थित है परंतु यदि आप पुनः दर्शाएं निर्देश को इसी सूत्र के साथ चलाते हैं तो यह सूत्र आरक्षित मेमोरी खंड में किसी अन्य स्थान पर पुनः लिखा जाता है। दर्शाएं निर्देश जो कि मेमोरी खंड के एक अन्य स्थान पर चलता है इस सूत्र को इनपुट के रूप में लेकर काल्पनिक प्रदर्शन पट पर प्रदर्शित करता है। तदुपरांत दर्शाएं निर्देश से संबंधित मेमोरी प्रोग्राम के अन्य निर्देशों के लिए मुक्त हो जाती है। ध्यान दें कि प्रोग्राम में अब तक प्रयोग किए गए दोनों सूत्र जस के तस आरक्षित मेमोरी खंड में लिखे हुए हैं। यद्यपि इसी प्रोग्राम में आप मेमोरी खंड में लिखे इन सूत्रों का पुनः प्रयोग नहीं कर सकते तथापि प्रोग्राम में आवश्यकता पड़ने पर प्रोग्राम मेमोरी के इस क्षेत्र को किसी अन्य निर्देश के लिए आवंटित कर सकता है। जैसे ही प्रोग्राम का प्रोग्राम अंत निर्देश चलता है प्रोग्राम के लिए आरक्षित मेमोरी खंड संगणक के अन्य कार्यों के लिए मुक्त कर दिया जाता है। आइए अब हम कामना हिल रिजॉर्ट के वस्तु स्थिति अध्ययन या केस स्टडी पर एक दृष्टि डालें। हम इस वस्तु स्थिति अध्ययन का प्रयोग न केवल कृत्रिम कोट अपितु अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं में भी विभिन्न सिद्धांतों को समझने के लिए करेंगे। कामना हिल रिजॉर्ट शिमला के निकट सघन वनाच्छादित क्षेत्र से सटा तथा प्रकृति की गोद में बसा कामना हिल रिजॉर्ट 4 सितारा समकक्ष संसाधनों से युक्त एक रमणीक होटल है। यह होटल शिमला के उपनगरीय क्षेत्र समरहिल की मनोहर वादियों में स्थित है। दैनिक नगरीय कोलाहल से दूर परंतु फिर भी शिमला की धड़कन माने जाने वाले माल रोड के समीप कामना हिल रिजॉर्ट प्रकृति प्रेमियों के लिए एक उत्कृष्ट आश्रय स्थल है। कामना हिल रिजॉर्ट हिमाचली तथा आधुनिक वास्तुकला का एक मनमोहक संगम है जहाँ परंपरागत पर्यावरण अनुकूल हिमाचली वास्तुकला भवन की संरचना को सुदृढ़ता प्रदान कर भूकंपरोधी बनाती है वहीं आधुनिक संसाधन आपके तथा आपके अपनों के चिर प्रतीक्षित अवकाश को एक अति सुविधाजनक तथा अविस्मरणीय अनुभव बनाने में सहायता करते हैं।
आपके आरामदेह प्रवास के लिए होटल में आपके लिए विशाल कक्षों की व्यवस्था है, ताकि आप अपने प्रवास का संपूर्ण आनंद प्राप्त कर सकें। प्रत्येक कक्ष में न केवल बैठक के लिए समुचित व्यवस्था है, अपितु अतुल्य प्राकृतिक छटा का आनंद प्राप्त करने के लिए एक व्यक्तिगत छज्जा अथवा बालकनी भी उपलब्ध है। होटल के कक्षों को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है, प्रीमियम कॉटेज तथा सुपर डिलक्स कक्ष। प्रीमियम कॉटेज के निर्माण में पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल हिमाचली वास्तुकला का उपयोग किया गया है। इसके बाह्य स्वरूप में पारंपरिक पत्थर तथा लकड़ी का उपयोग किया गया है, तथा आंतरिक सज्जा के लिए देवदार वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया गया है, जिसे कक्ष में रहने वाले व्यक्ति के लिए अति स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। इनके निर्माण में किसी प्रकार की भी अप्राकृतिक भवन निर्माण वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया है, तथा प्रत्येक कक्ष सदाबहार घाटी के विहंगम दृश्य को प्रस्तुत करता है। सुपर डिलक्स कक्ष को मुख्यतः उपनिवेश काल के ब्रिटिश वास्तुकला का स्वरूप प्रदान किया गया है। इसके बाह्य स्वरूप को यह झलक देने के लिए ईंटों का तथा आंतरिक सज्जा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया गया है। अन्य प्रसिद्ध पाक शैलियों के अतिरिक्त आपके होटल के भोजनालय में विशेषतः आपके लिए अति स्वादिष्ट हिमाचली व्यंजनों की व्यवस्था है। इन व्यंजनों में विशेषकर हिमाचल के विभिन्न भागों की प्रसिद्ध थाम के चुने हुए व्यंजनों की व्यवस्था की गई है। अपने अतिथियों के प्रवास को और अधिक सुखद बनाने के लिए तथा अपनी परिचालन संबंधी क्षमता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कामना हिल रिसॉर्ट ने अपनी दैनिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से स्वचालित बनाने का निर्णय लिया है। इन गतिविधियों में कक्ष आरक्षण, वस्तु क्रय तथा भोजन आदेश की व्यवस्था सम्मिलित है। आगामी वीडियो में न केवल कृत्रिम कूट अपितु प्रोग्रामिंग भाषाओं तथा अन्य विषयों में भी प्रोग्रामिंग भाषाओं के मूल सिद्धांतों को समझने के लिए दैनिक क्रियाओं के उदाहरणों के अतिरिक्त हम कामना हिल रिसॉर्ट से संबंधित उदाहरणों का प्रयोग करेंगे। जैसे ही प्रयोगकर्ता लॉगिन करता है, संगणक पर एक स्वागत संदेश प्रदर्शित करें। आइए अब एक प्रोग्राम लिखें जो कि एक स्वागत संदेश प्रदर्शित करेगा। कामना स्वागत प्रोग्राम। प्रोग्राम प्रारंभ। कामना हिल रिसॉर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है, दर्शाएं। प्रोग्राम अंत। आइए अब हम अपने काल्पनिक स्मरण पट का आह्वान करें तथा अपने प्रोग्राम का मानसिक आकलन अथवा ड्राई रन करें। जब आप कामना स्वागत प्रोग्राम चलाते हैं, तब यह प्रोग्राम के लिए एक मेमोरी खंड आरक्षित कर लेता है। इससे पहले कि दर्शाएं निर्देश पूर्ण रूप से चले, प्रोग्राम के लिए आरक्षित मेमोरी खंड के किसी स्थान पर कामना हिल रिसॉर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है सूत्र लिख दिया जाता है। दर्शाएं निर्देश इस सूत्र को इनपुट के रूप में लेता है तथा मॉनिटर पर आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। तदुपरांत दर्शाएं निर्देश से संबंधित मेमोरी प्रोग्राम के अन्य निर्देशों के लिए मुक्त हो जाती है। जैसे ही प्रोग्राम का प्रोग्राम अंत निर्देश चलता है, प्रोग्राम के लिए आरक्षित मेमोरी खंड संगणक के अन्य कार्यों के लिए मुक्त कर दिया जाता है। इस वीडियो में आप कृत्रिम कूट से परिचित हुए, कृत्रिम कूट के साथ प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों से परिचित हुए, कृत्रिम कूट युक्त एक सहज प्रोग्राम का निर्माण किया तथा कामना हिल रिसॉर्ट के वस्तु स्थिति अध्ययन या केस स्टडी से परिचित हुए। अगले वीडियो में आप कृत्रिम कूट के माध्यम से परिवर्ती राशि अथवा वेरिएबल्स तथा आंकड़ों के प्रकार अथवा डाटा टाइप के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आशा है आपको यह वीडियो देखने में उतना ही आनंद प्राप्त हुआ जितना कि मुझे इसे विशेषकर आपके लिए बनाने में प्राप्त हुआ। यदि ऐसा है तो वीडियो को पसंद करना न भूलें तथा मेरे चैनल लेट सिंप्लीफाई कंप्यूटर्स विद मृगवत्स लर्निंग को अवश्य सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन या घंटी वाले प्रतिरूप को क्लिक करने से आपको मेरे नवीन वीडियो के बारे में अधिसूचना प्राप्त होती रहेगी। आपसे अगले वीडियो में पुनः भेंट होगी। तब तक आप अपने ज्ञान सारथी संजय शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।